दिनांक 12/12/2020 को रात्रि करीबन 9 बजे डायल 100 पर सूचना आई थी कि अयोध्या बस्ती के पास एक व्यक्ति अपने घर में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर थाना कैलारस का बल, SDOP कैलारस और मैं सभी लोग मौके पर पहुंचे। मौके पर जाकर मौके का निरीक्षण किया गया तो एक व्यक्ति अपने झोपड़ी नुमा मकान में चबूतरे पर मृत अवस्था में मिला, जिसके संबंध में जानकारी जुटाने पर गिरिराज नामदेव पुत्र रामचरण नामदेव निवासी सुजानगढ़ी हाल अयोध्या बस्ती का मृत अवस्था में मिला, जिसके संबंध में अन्य पूछताछ करने पर सबको कब्जे में लेके पुलिस के द्वारा PM कराया गया और अपराध क्रमांक 644 धारा 302 का अज्ञात आरोपी गणों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। जब इसकी विवेचना की गई, जिसमें थाना प्रभारी पहाड़गढ़ की भी मदद ली गई SDOP साहब के निर्देशन व वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर, तो पाया गया कि यह एक षड्यंत्र पूर्वक कार्य किया गया था। मृतक के छोटे भाई उमा शंकर ने 2 माह पहले अपनी जमीन पैणा गांव के कुशवा समाज के लोगों को विक्रय कर दी थी। उस उक्त जमीन का सौदा 13,30,000 रुपये में हुआ था, लेकिन मृतक के भाई पर 3,30,000 रुपये मिले थे और उसके द्वारा अपना पुराना कर्जा चुकता किया गया था। जब मृतक के भाई को इस संबंध में पूछताछ की गई कि तुमने किस किस का कर्जा चुकाया है, इस संबंध में कुछ नाम और तथ्य सामने आए जिन पर पुलिस द्वारा गंभीरता से विवेचना और जांच की गई, तब पाया गया कि इसमें कुल 6 व्यक्ति षड्यंत्रकारी के रूप में सामने आए, जिनमें से एक व्यक्ति इसमें मुख्य सेमई गाँव का रहने वाला है जो षड्यंत्रकर्ता था और 5 लोग इस घटना में इन्वॉल्व रहे। मृतक को उसके घर पर हत्या का कारण ये रहा कि इनके द्वारा मृतक के भाई की शादी नहीं हुई है उमा शंकर की, तो जमीन उसको बहला फुसला के अपने नाम कराना चाहते थे और चूंकि कुछ दिनों पूर्व एक झगड़ा हुआ था 2 दिसंबर को, उसमें पैणा गांव के कुशवाओं के खिलाफ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, तो इन्होंने षड्यंत्र इस प्रकार से रचा था कि मृत्यु का शक पुलिस को पैणा गाँव के कुशवा समाज के लोगों पर जाएगा। लेकिन पुलिस द्वारा बारीकी से छानबीन की गई व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार सुपरविजन करके संदिग्ध कत्ल की गुत्थी को सुलझा दिया गया है। अभी पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपी जो सेमई गांव के हैं वो अभी फरार चल रहे हैं।